एक युवक के बड़े बड़े सपने थे और उसकी कुछ इच्छाएं थी। इच्छा अच्छी थी, वह चाहता था कि इस दुनिया में सभी सुखी हो, सभी के पास धन हो, सभी ईमानदारी से काम करे और कोई भूखा ना सोए, सब खुश रहे। उसने सुना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और हमारी इच्छाओं को यह ब्रह्मांड पूरी करता है। इसलिए वह इन इच्छाओं को लिए हुए दिन रात सोचता था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वह देखता था कि दुनिया में दुख है, तकलीफ है, बेमानी है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। तब एक दिन उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। उसने सोचा कि मैं एक बड़ा हीरे मोती का व्यापारी बन जाता हूँ और मैं एक बड़ा व्यापारी बनूँगा। वह दिन रात इस इच्छा को लिए हुए इस बारे में सोचता रहता था। वह सोचता कि कहीं से मुझे हीरे मोती पड़े मिल जाएंगे और मैं उनसे एक बड़ा व्यापार शुरू करूँगा। फिर सोचा कि वह कहीं से कोई एक सेठ आएगा और मुझे कुछ हीरे मोती देकर जाएगा और वह मेरा व्यापार में सहायता भी करेगा, मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा और वह सेठ अपनी लड़की से मेरी विवाह कर देगा, तब मेरी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। ऐसी ही काल्पनिक सोच वह दिन रात बनाता रहता, लेकिन होता है कुछ नहीं। जब उस युवक के पिता को यह पता चलता कि उसका बेटा एक हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता है, तो उसे बड़ी खुशी हुई। उस पिता ने अपनी कुछ संपत्ति बेचकर उसे बड़े बेटे को 3 हीरे और मोती दे दिए और कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम हीरे मोती के व्यापारी बनना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं अपनी आंधी संपत्ति बेच दी है और यह 3 हीरे और 3 मोती तुम्हारे लिए खरीदे, इनसे तुम व्यापार शुरू करो, तुम सफल होगे तब मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उस लड़के को यह 3 हीरे और 3 मोती कम लगे रहे थे। उसने सोचा कि इन हीरे मोती से क्या होगा, कम से कम 1000 हीरे और मोती तो होनी चाहिए थी, लेकिन एक बड़े दुकान होनी थी, कुछ लोग को मेरे नीचे काम करने वाला भी होना चाहिए था। जब यही बात उसने अपने पिता को बताई, ने बेटा शुरुआत पहले कदम से होती है, हम कभी भी एक समय पर 1000 कदम नहीं चल सकते, पहला कदम फिर उसके बाद दूसरा कदम फिर तीसरा कदम, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं और रास्ता तय कर लेते और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इनसे व्यापार तो शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उस युवक ने व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मैं एक माह में ही ऐसा व्यापार करूं कि बड़े बड़े व्यापारियों में मेरा नाम शामिल हो जाए और एक बड़े व्यापारी की लड़की से मैं शादी कर लूँगा, तब मेरे जैसे व्यापारी यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक माह में भी किसी ने उसकी उन 3 हीरे और मोतियों में से कुछ नहीं खरीदा। वह निराश हो गया, उससे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। अपने पुत्र को निराश होता देख उस पिता ने अपने पुत्र से कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले बाजार को समझना होता है, जब हम परिस्थितियों को समझ जाते हैं तभी हम बाजार में कुछ बेचना सकते हैं। तुम यह पता करो कि बाजार में किस प्रकार के हीरे मोती की मांग है, इन 3 हीरे मोती को बेचकर उन्हें खरीदो, पुत्र ने कहा। पिताजी, मैंने यह बात पता किया था कि लेकिन इन 3 हीरे मोती को बेचकर भी मैं उन हीरे मोती को नहीं खरीद सकता,
उसके लिए अधिक धन चाहिए। पिता ने बची हुई संपत्ति भी बेच दी और अपने पुत्र को धन इकट्ठा करके दिया और कहा, पुत्र अब बस हमारे पास रहने लायक ही जमीन बची है, यह धन ले लो और कुछ अच्छे हीरे मोती खरीदो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि हमारे हालत आगे अच्छे होंगे या बुरे। पूरी मेहनत करना, कोई कसर मत छोड़ना। पुत्र ने उन तीन हीरे मोती को बेचकर और उस धन से जो पिता ने दिया था दो हीरे और दो मोती खरीदे। उसने उन हीरे मोती से दो बार व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मेरे इन हीरे मोती की चर्चा दूर दूर तक होगी और राजा स्वयं मेरे हीरे मोती खरीदने आएंगे। और हुनर तेज और बुद्धि वाला लड़का देखकर अपनी लड़की की शादी मुझसे तय करेंगे। लेकिन एक माह बीत गया और उसके पास कोई नहीं आया। किसी ने उसकी हीरे मोती में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह फिर से गहरी निराशा में चला गया और वह अपने पिता के पास वापस आया और उसने कहा, पिताजी मैं व्यापारी बनने लायक नहीं हूँ, आप यह दोनों हीरे रख लीजिए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, यह दोनों हीरे तुम ही अपने पास रखो और फिर से कोशिश करो। युवक ने दोनों हीरे अपने पास तो रख लिए पर उसके मन में गहराई निराश थी। वह फिर से सोचने लगा, काश दुनिया में सबके पास एक समान धन दौलत होती, ना तो कोई अमीर होता ना गरीब, जो कोई जो कुछ भी करना चाहता वह तुरंत हो जाता। मैं व्यापार करता और तुरंत ही बड़ा व्यापारी बन जाता, अब तो कोई मुझे अपनी लड़की भी नहीं देगा। एक दिन युवक के मन में ख्याल आया कि वह अपने घर से कहीं दूर चला जा, जहाँ पर उसके परिवार की जिम्मेदारी ना हो। अपने अकेले का ख्याल तो वह खुद रख सकता है। फिर उसने सोचा कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मन सम्मान भी मिलेगा और जिम्मेदारियों से छुटकारा भी। यही सोचकर एक रात अपने घर से वह उन दो हीरे मोती में से एक हीरा और एक मोती लेकर चला गया। जाते समय उसके ख्यालों में था कि वह बाहर मर्जी की जिंदगी जिएगा, न किसी की रोक टोक होगी और ना ही किसी का जवाब देना होगा और ना ही किसी की जिम्मेदारी होगी। जीवन को पूरी मस्ती से जिएगा। घर से जाते ही उसने एक हीरा और मोती बेच दिया और 6 महीने तक आराम से जिंदगी को काटा। अब उसके पास धन समाप्त हो गया था, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। एक रात वह भूखा भूखा चिल्लाया हुआ इस आस पास में कोई उसे भोजन के लिए पूछा नहीं लाया। एक रास्ते पर दौड़ता जा रहा था लेकिन उसे किसी ने भोजन के लिए पूछा ही नहीं। तब उसने अपने घर की याद आई, अपने पिता और माँ की याद आई, लेकिन वह अब घर कैसे जाए। घर जाने की भी पैसे नहीं थे और ना ही घर जाने की हिम्मत शरीर में बची थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, तभी उससे एक आवाज़ आई। उसने आवाज़ का पीछा किया और देखा कि एक भिक्षु नदी के किनारे पर बैठकर जोर से बोल रहा था, जो तुम चाहते हो वही तुम पाते हो, जो तुम चाहते हो वही तुम ये मिल जाता है। बार बार वह यही बात दोहरा रहा था। युवक उस भिक्षु के पास गया और कहा, जिसे जो चाहे वह मिल जाता है। भिक्षु ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिसे जो चाहे वह मिल जाता है, जो तुम चाहते हो वही पाते हो।
युवक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं चाहा, मगर मिला कुछ भी नहीं। नहीं, भिक्षु ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में सपने देखे हैं और तुम अपने सपने तो मिले हैं, सपनों की हकीकत नहीं जानते। आंखें खुलते ही सपने टूट जाते हैं और कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार तुमने अपने सपनों को चाहता रहा है और वही तुम मिले सब टूट गए। सपने टूटने के लिए ही होते हैं, युवक ने कहा। तो क्या सपने देखना कुछ गलत है क्या? भिक्षु ने कहा, नहीं, सपने देखना गलत नहीं है, कुछ चाहना भी गलत नहीं है। सपने वही देखो जो तुम पूरा कर सकते हो, उसी चीज को चाहो जिसे तुम पा सकते हो, जिसके लिए तुम कर्म कर सकते हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर सकते हो। सपना बड़ा हो चाहता बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम में वह हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसे अपने अधिकार में ला सको। तुम्हारे भीतर उस चाहत, उस सपने के लिए शक नहीं होना चाहिए। युवक ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं चाहता हूं वह हो जाए? भिक्षु ने कहा, यथार्थ में जियो, काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, अपने समर्थों को पहचानो। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं हीरे और मोती का एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी ही बात? यह कम तो बहुत आसानी से होता है और तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। युवक ने कहा, आसानी से पर कैसे? मैं तो यह करके देख चुका हूँ, हर बार असफल हुआ हूँ। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इसे व्यापार आरंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी, अपना हाथ आगे करो। युवक ने अपना हाथ आगे करा दिया। भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर कुछ रेत उठाकर रख दिया और कहा, ये लो पहला हीरा। युवक ने कहा, कहाँ है हीरा? ये तो रेत है, आप मेरा पागल बना रहे हैं। भिक्षु ने कहा, यह रेत नहीं है, यह समय है और समय किसी के लिए नहीं रुक सकता। जैसे ही तुम अपना हाथ सीधा करते हो यह नीचे गिर जाता है। समय ही वह हीरा है जिसका उपयोग करके तुम कुछ भी कर सकते हो, अनगिनत हीरे तुम बना सकते हो। समय जैसे हीरे को बर्बाद मत करना, इसका भरपूर उपयोग करना। जिसने इस हीरे को इस्तेमाल अपनी जिंदगी में नहीं किया वह धूल में मिल गया। युवक ने कहा, मैंने अपने व्यापार में समय का ही उपयोग किया था, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। हमेशा समय का उपयोग करने से कुछ नहीं मिलता। भिक्षु ने कहा, इसके लिए मैं तुम एक मोती देता हूँ। और भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर एक कंकर रखा दिया और कहा, यह वह मोती है जिसका उपयोग करके तुम अपने बुरे से बुरे समय में भी अपने सपने और अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो। युवक ने कहा, और यह क्या है? भिक्षु ने कहा, यह मोती धैर्य संयम है। अगर तुम समय रूपी हीरे से लाभ नहीं कमा पा रहे हो तो तुम्हें मोती रूपी धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। जब मानव समय और धैर्य का भरपूर उपयोग करता है तब वह जो चाहता है वह पा सकता है। तुम एक बड़े व्यापारी बन सकते हो, इनका एक बार उपयोग करके देख लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अवश्य ही जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। युवक को बहुत भूख लग रही थी। भिक्षु ने अपनी झोली से कुछ भोजन उस युवक को खाने के लिए दिया, कुछ धन दिया और
कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे काम का है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। युवक उस धन के सहारे अपने घर वापस लौटा और उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। पिता ने अभी तक वह एक हीरा और मोती संभाल कर रखा था। युवक ने पिता से वह हीरा और मोती मांगी और फिर से व्यापार आरंभ किया। एक छोटा व्यापारी बनने में भी उसे 2-3 साल लगे, लेकिन इस बार उसने समय के साथ धैर्य का इस्तेमाल किया, लेकिन अगले 2 साल में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन एक गरीब घर की गरीब लड़की से, जो उसने खुद पसंद की थी, क्योंकि जिस पैसे के कारण पहले वह शादी करना चाहता था, अब वह पैसा तो उसके पास बहुत था। हमारे जीवन में इच्छाएं तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए समय का उपयोग नहीं करते। यह हमारी इच्छा कुछ ऐसी होती है जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। जैसे अभी कोई कहे कि इस दुनिया की सभी लोग ईमानदार हो जाए, सुखी हो जाए, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता है और अपने सपने को बहुत हद तक सपने का साकार कर सकता है। तथागत गौतम बुद्ध खुद इसका उदाहरण है। पूरी दुनिया सुख में रहे, यही उनका प्रयास था, और जो भी उनकी शरण में आया उसके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर उनका प्रभाव है, और वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने समय का भरपूर उपयोग किया और हमेशा धैर्य बनाए रखा। लेकिन हम तो कुछ सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर हमें लगता है कि यह है हमसे नहीं होने वाला है और तुरंत ही उसे छोड़ देते हैं। तो फिर हमें लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलता है।